लो आखिरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त का ऐलान हो ही गया। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने वाले देश के 9 करोड़ किसानों को इस बार 19,000 करोड़ रुपया डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक खाते में ट्रांसफ़र किया जाएगा। जैसा कि दोस्तों कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने यहाँ पर बड़ा ऐलान जो है कर दिया है अपने प्रेस संबोधन के माध्यम से, जो कि यहाँ पर दोस्तों उन्होंने अभी ऐलान किया है यहाँ पर 18 जून को यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि का जो पैसा है सभी किसानों के खाते में 18 जून को ट्रांसफ़र श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने एक कृषि कार्य में यहाँ पर डायरेक्ट सभी किसानों को पैसा उनके बैंक खाते में बटन दबाकर ट्रांसफ़र करेंगे। तो जिन लोगों ने अभी न्यू रजिस्ट्रेशन कराया है तो वह भी ये वीडियो ज़रूर देख लें, और जिन लोगों का पैसा अभी रुक गया है 16वीं किस्त का पैसा अभी नहीं मिला है तो उनको भी ये वीडियो अवश्य देख लेना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों का पैसा यहाँ पर दोस्तों पिछली बार अभी नहीं मिला है तो उन्हें यहाँ पर अब 4,000 रुपये जो हैं मिलने जा रहे हैं। 2,000 रुपये उन लोगों को मिलेंगे जो 16वीं किस्त का लाभ यहाँ पर ले चुके हैं। ईकेवाईसी जिन्होंने नहीं कराया है वो ईकेवाईसी अवश्य करा लें। ईकेवाईसी के बिना आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का एक भी रुपया नहीं मिलेगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत आने वाले देश के 9 करोड़ किसान इस योजना का लाभ अभी यहाँ पर ले रहे हैं। जैसे कि दोस्तों बात कर ली जाए यहाँ पर बेनिफिशियरी स्टेटस की, तो अगर किसी प्रकार का आपका फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट है या फिर न्यू रजिस्ट्रेशन कराया है तो वो यहाँ पर किसी कारण रिजेक्ट दिखा रहा है तो वहाँ पर दोस्तों आपको भूले खतौनी यहाँ पर लगानी रहेगी, उसके बाद आपको पैसा जो है आपके खाते में यहाँ पर 17वीं किस्त का भेज दिया जाएगा। ये कार्य दोस्तों आपको 2 दिन में ही कंप्लीट कर लेना है, और 2 दिन के अंदर दोस्तों आप ये कार्य करते हैं तो आपका दोस्तों 2 से 3 घंटे में डायरेक्ट जो पैसा है पीएम किसान सम्मान निधि का 17वीं किस्त में मिल जाएगा, यानी कि 18 तारीख को भेज दिया जाएगा। इस समय दोस्तों कार्य जो हो रहा है बहुत ही तेज़ गति से यहाँ पर हो रहा है। मैं आपको बता दूं दोस्तों न्यू रजिस्ट्रेशन मैंने यहाँ पर किया था इसी महीने जून को, उसके बाद यहाँ पर दोस्तों अब लिस्ट में नाम यहाँ पर आ गया है। अगली वीडियो के माध्यम से इसका मैं दोस्तों आपको लाइव प्रूफ भी यहाँ पर दिखा दूँगा। तो जैसा कि दोस्तों अगर आपने अभी तक आधार सीडिंग नहीं कराया है, जैसे कि यहाँ पर दोस्तों आपका पैसा नहीं आ रहा है आपका बैंक अकाउंट में दोस्तों नहीं आ रहा है, अब डीबीटी के माध्यम से भेजा जा रहा है, तो उन लोगों को यहाँ पर दोस्तों अपना जो है आधार सीडिंग अपने बैंक में जाके यहाँ पर करा लेना है। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे कि हमें अब यहाँ पर गूगल ब्राउज़र में इसकी वेबसाइट पर लेके चलता हूँ, जो कि पीएम किसान सम्मान निधि डालकर यहाँ पर दोस्तों सर्च करना है आपको गूगल ब्राउज़र में। तो गूगल ब्राउज़र में यहाँ पर दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि ये वेबसाइट है यहाँ पर ओपन होगी pmkisan.gov.in, इस पर क्लिक करेंगे साथियों। अब आप देखेंगे यहाँ पर थोड़ा नीचे पेज को स्क्रॉल कर लेते हैं डाउन, हाँ अब देख सकते हैं हनोवर प्राइम मिनिस्टर विल बी रिलीज 17वीं इंस्टॉलमेंट पीएम किसान स्कीम ऑन 18 जून 2024। ईकेवाईसी मैंडेटरी फॉर पीएम किसान रजिस्टर फार्मर, ओटीपी बेस्ड ईकेवाईसी अवेलेबल ऑन पीएम किसान पोर्टल और नियरेस्ट सीएससी सेंटर। बायोमेट्रिक के आधार पर भी दोस्तों अगर मोबाइल नंबर आपका रजिस्टर है तो आप अपने दोस्तों मोबाइल से ईकेवाईसी कर सकते हैं, किसी भी साइबर कैफे जनसेवा केंद्र पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है तो आप दोस्तों अपना अंगूठा लगाएंगे सीएससी सेंटर पर जाके जनसेवा केंद्र के माध्यम से ईकेवाईसी हो जाएगी। फार्मर कॉर्नर में आएंगे यहाँ पर दोस्तों देखेंगे लिस्ट में तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एलिजिबल बेनिफिशियरी यहाँ पर 14,465 हैं,
और जिनके हम दोस्तों पैसा ट्रांसफ़र किया जाना है 14,449। तो यहाँ पर दोस्तों थोड़े थोड़े किसान अभी वंचित रह सकते हैं 20 से 25। तो ऐसे ही दोस्तों आप महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु किसी की भी लिस्ट यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं। ई KYC दोस्तों आपको कंप्लीट कराना रहेगा, अति आवश्यक है। न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कर सकते हैं फार्मर कॉर्नर में आकर, स्टेट ऑफ सेल्फ रजिस्टर, और यहाँ पर दोस्तों भूले खतौनी अपलोड नहीं की है तो वो भी आप यहाँ पर कार्य कर पाएंगे। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।